कहते हैं ना कि वो हर एक चीज़ जिसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है और जीभ को भी पसंद नहीं आता, वो हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है, जैसे करेला, नीम आदि। इन्हीं में से एक है मेथी दाना। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथी के फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मेथी हर घर में बड़ी आसानी से मिलने वाला मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेथी कोई मामूली मसाला नहीं, बल्कि औषधीय गुणों और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। डायबिटीज़ कंट्रोल करना हो, पाचन से जुड़ी समस्या दूर करनी हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ठीक करनी हो, या फिर वेट लॉस करना हो, मेथी की खूबियाँ इन सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, मेथी का सेवन करने से शरीर में होने वाले कई तरीके के दर्द से राहत मिलती है, बार बार भूख लगने की समस्या भी दूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के भरपूर होती है। मेथी शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो आप मेथी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी की चाय बना सकते हैं, मेथी को अंकुरित करके खा सकते हैं, या फिर शहद के साथ सीधे भी खा सकते हैं। लेकिन मेथी दाना या फिर फेनुग्रीक का पूरा फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो हर मेथी का पानी आपको पीना चाहिए। अब मेथी का पानी आप कैसे बना सकते हैं? तो एक बड़ा बाउल आपको लेना है, उसमें आपको पानी डालना है, 2 चम्मच मेथी डालना है और उसको रात भर भिंगो करके रख देना है। सुबह उठकर के पानी को छान लेना है और खाली पेट सबसे पहले आपको इस पानी का सेवन करना है। 1 चम्मच मेथी दाने को पैन में बिना तेल के हल्का सा फ्राई कर लें, उसके बाद ब्लेंडर से हल्का सा उसका पाउडर बना लें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी का पाउडर डाल लें, मिक्स कर लें और सुबह गुनगुना इसे पी लें, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए तो ये रामबाण है मेथी। कैसे? तो दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है उनके लिए तो मेथी मानो रामबाण है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेथी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ मेथी में अमीनो एसिड्स होता है, जिसे एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ माना जाता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और खून में मौजूद शुगर को तोड़ने में ये मदद भी करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, शरीर में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसको कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है मेथी। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड के केवल कम करती है और शरीर में फैट को जमने से रोकती है मेथी। अगर 2 से 3 महीने तक हर दिन नियमित रूप से मेथी का अगर आप पानी का सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा और टोटल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाएंगे। फीवर और गला ख़राब हो तो भी आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नींबू और शहद के साथ मेथी का सेवन अगर आप करेंगे तो बुखार में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम पहुँचेगा। साथ ही साथ मेथी में म्यूलिकेज नामक एक तत्व पाया जाता है, जिससे कि सर्दी खांसी की वजह से अगर गले में थोड़ा दर्द हो रहा है या गले ख़राब हो गए हो तो मेथी का पानी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों, एक बार सुबह खाली पेट आप मेथी का पानी अगर पी लेंगे तो लंबे वक्त तक आपका पेट भरा हुआ महसूस करेगा और भूख जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि मेथी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जब आप कम खाएंगे, कम कैलोरीज का सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है वज़न भी कंट्रोल में ही रहेगी और साथ ही साथ पेट फूलने की दिक्कत जो होती है, जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, आप चाहें तो मेथी का पानी के साथ साथ मेथी को कच्चा दिन भर में 2 से 3 बार चबा करके भी खा सकते हैं। ये भी वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट मेथी के पानी का अगर सेवन करेंगे तो उससे सीने में जो जलन होती है, अपचन होती है, एसिडिटी, कब्ज़ और पेट से जुड़ी जो भी समस्या होती है वो आपको रिलीफ पहुँचाता है, क्योंकि मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, लिहाजा शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन तंत्र मजबूत करता है, और पाचन से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या हो, लिहाजा बेहतरीन पाचन के लिए आप दिन में खाली पेट एक बार मेथी का पानी ज़रूर पिएं। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है तो भी आप मेथी को पानी में थोड़ा सा बॉयल करके पिएंगे तो भी आपका पीरियड्स जो है वो आपका रेगुलर आने लगेगा। आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, 2 चम्मच मेथी दाना उसमें डाल लेना है और 1 चम्मच जैगरी डालना है, यानी कि गुड़। उसको अच्छे तरीके से खौला दीजिए और उसके बाद जब पानी आधा ग्लास बराबर हो जाए तो उसको छान करके पी लीजिए, जिससे कि जो आपको इरेगुलर पीरियड्स है वो भी रेगुलर होने लगता है।
इसके साथ ही साथ अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप मेथी को जो है वो दिन में एटलीस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर खाएं। और अगर आपको मेथी खाने में थोड़ा कड़वा लग रहा है तो आप मेथी का पानी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वैसे ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।